नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, सभी 90 विधानसभा में जजपा मजबूती से लड़ रही है चुनाव। जेजेपी से जनता का जुड़ाव हो चुका है, नया इतिहास रचेगा जजपा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में भाजपा के प्रति रोष है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाले विधायकों व मंत्रियों की आय दुगनी हो चुकी है, वहीं कृषि मंत्री पर भी निशाना साधा। किसान को तो सही दाम नहीं दे पाए, लेकिन अपनी जेब 5 गुनी भारी कर ली, जिसका वोट की चोट से जनता जवाब देगी। अनिल जैन द्वारा दुष्यंत को बंदर कहे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जेजेपी की युवा वानर सेना एक होकर के भाजपा का जलाएगी दशहरा। कहा, इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान से की उम्मीद नहीं थी। इनेलो पर भी जमकर वार किया। प्रदेश में 90 विधानसभाओं पर नहीं उतार पाई उम्मीदवार। अकाली इनेलो के गठबंधन पर भी सवाल उठाया। कहा, SYL खोदने वालों ने SYL बूरने वालों के विपरीत परिस्थितियों में हुए एक। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के प्रति जबरदस्त रोष है, और उन्होंने कहा कि किसान की आय दुगनी करने के बजाय पार्टी ने अपने विधायकों और मंत्रियों की आय दुगनी अवश्य कर दी है। उन्होंने कृषि मंत्री पर निशाना साधा और कहा कि कृषि मंत्री किसान को फसलों का सही दाम दिलवा नहीं पाए हैं, लेकिन अपनी जेबें 5 गुना भारी कर ली है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वोट की चोट से जनता इसका जवाब देगी। अनिल जैन द्वारा दुष्यंत को बंदर कहे जाने की पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इतने बड़े पद पर बैठे एक व्यक्ति को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। साथ ही उन्होंने कहा कि जेजेपी की युवा वानर सेना एक होकर के भाजपा का रावण और दशहरा दोनों जलाएंगे। उन्होंने इनेलो पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश में 90 विधानसभाओं पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाए। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अकाली इनेलो के गठबंधन पर उन्हें अजीब लगता है। SYL को खोदने वाले SYL को बूरने वालों के विपरीत परिस्थितियों में गठबंधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा के विपरीत कुछ लोगों ने मजबूरीवश ये फैसला लिया है। दोनों दल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए हरियाणा में गठबंधन कर एक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। पूरी तौर पर 90 की 90 सीटों पर मजबूती से जननायक जनता पार्टी आगामी चुनाव को लड़ रही है। वो लोग हमें अंडर एस्टिमेट किया करते थे। आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अगर उनके सामने चैलेंज कोई है, तो एक एक साथी जिसको हमने मैदान में उतारा है मजबूत टीम के तौर पर है। हरियाणा परिवर्तन देख रहा है, मांग रहा है, और वो परिवर्तन आगामी 15 दिनों के अंदर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। जब जन भावनाओं का मजबूती से जुड़ना जननायक जनता पार्टी को एक ताकत देकर प्रदेश में एक नया इतिहास रचने का काम करेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात करी और जिस तरीके से प्रदेश को बांटा है, जलाया है, लोगों को मारा है, युवाओं को बेरोजगार किया, और उसके ऊपर भी किसान की आय दुगनी करने का तो दावा ये लोग करते थे। और मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, इनके विधायकों की मंत्रियों की आय 2 गुनी, 2.5 गुनी हुई, 3 गुनी हुई। और हैरानी है कि कृषि मंत्री जो किसान के सबसे बड़े हितैषी बोले जाते हैं, किसान को तो शायद उचित दाम नहीं दे पाए, मगर अपनी जेब को 5 गुना मजबूत कर 5 साल के अंदर। ये तमाम चीज़ें हरियाणा की जनता ने समझी है, देखी है, और अब वोट की चोट से उनको जवाब भी देने का काम करेगी। अनिल जैन जी ने जहाँ मुझे बंदर कहा जिसने घर को आग लगाई, मैं अनिल जैन जी को इतना बोलना चाहूँगा, ये चीज़ को मेरे को पहली बार किसी ने नहीं बोला, कई बार बोली है। और बंदर तो हनुमान जी का रूप है, और ये जो युवा टीम है, ये जो 90 मजबूत कैंडिडेट हैं, अगर 90 बंदर एक हो गए और वानर सेना बन गई, तो दशहरा को ज़्यादा दौर नहीं, बीजेपी रूपी लंका को जलाने का भी कोई समय नहीं बचेगा। मगर एक आदमी जो इतने बड़े पद पर बैठा है इस तरह की टिप्पणी करता है, मैं तो उनको बोलना चाहूँगा कि आप खुद अपना गिरबान झाके किस तरह के आपने प्रदेश में हालात बनाए। सिरसा 83 पर उतार पाए हैं सर, और अभी तो आप देख लेना, 2 दिन और बचे हैं विड्रॉल के, कितने बचेंगे। मैं तो एक चीज समझा हूँ कि जनता का प्यार, समर्थन और मजबूती से जननायक जनता पार्टी एक नए मुकाम पर आगामी भविष्य में पहुंचेगी, प्रदेश के अंदर मजबूती से सरकार। सिरसा, लगता है आज उनको वास्तविक स्थिति पता चली।
जो लोग कहते थे कि हम मजबूर कर देंगे कि हमारे दरवाजे पर आकर झुके, मुझे लगता है कि आज उनको जनता ने जवाब दिया। तो इतना बोलना चाहूँगा, हमें स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं है। अनिल जैन जी वाली बात है ना, बंदर है तो हमारी वानर सेना है, हमारे स्टार प्रचारक तो ये हैं। अरे वानर सेना मैदान में उतर कर अपना काम संभालेगी, एक एक घर तक जाएगी, एक एक व्यक्ति तक जाएगी, चाबी को पहुंचाएगी और मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी के एक एक उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। प्रधानमंत्री 4 करे 40 करे, जनता ने जब मना लिया मन, और मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को आज पूरी तौर पर ख़त्म किया, जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर युवा को बेरोजगार किया, सुरक्षा की हालात है कि 1 मर्डर 3 रेप 4 डकैती हर रोज प्रदेश में होते हैं। आज कोई भी आ जाए, मुद्दा हरियाणा के हित का है, हरियाणा के भविष्य का है, किसान और कमेरे का है। आज जनता उसको सोचते हुए समझते हुए जननायक जनता पार्टी को अपनी ताकत दे। अकाली दल एक बार फिर दोबारा एक हो गए। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि जो इसराइल को खोदना चाहते थे, आज वह इसराइल को बूरने के लिए मजबूरी परिस्थितियों में क्यों एक हुए? इसका मतलब तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो आइडियोलॉजी थी, जो उनने संघर्ष सतलुज यमुना लिंक के लिए किया, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने वोटों की मजबूती के लिए उस संघर्ष को भी किनारे रखकर जिन लोगों ने सतलुज यमुना लिंक को डीनोटिफाई किया बुरा, आज उनके साथ खड़े होने का काम। सुखबीर जी को इतिहास नहीं पता, या फिर आप लोगों को इतिहास नहीं पता कि पंजाब की विधानसभा के अंदर जाकर उस समय जब सतलुज यमुना लिंक को भरने के ऑर्डर्स दिए गए थे, विरोध भी किया गया, सरदार प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ नारे भी लगाए गए, इतनी साबित करती है कि आज दोनों की परिस्थितियां ऐसी है कि शायद दोनों अपना राजनीतिक ग्राउंड बचाने को तराश रहे हैं, और उस परिस्थितियों में कहीं ना कहीं राजनीतिक भावनाओं के साथ जुड़कर हरियाणा की जनता को धोखा देने के क्या आज के दिन जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ताहीन पार्टी है, इसका मुकाबला मानता हूँ। कांग्रेस तो कहीं मैदान में नहीं है, और मैं तो हरियाणा की जनता से अपील भी करूंगा आपके माध्यम से कि अपना वोट खराब ना करें। कांग्रेस के पक्ष में अगर वोट डालेंगे तो आपका एक एक वोट आप खराब करने का काम करें। और जो हालात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बताई, चौधरी रंजीत सिंह जी ने बताई, और एक नहीं अनेकों लोगों ने बताई कि प्रदेश में ऐसे हालात बने हैं कि धीरे धीरे जो रियल कांग्रेस थी उसको खराब किया गया, टिकटें बेची गई, आरोप मेरे नहीं उन लोगों के, ये साबित कर देता है कि कांग्रेस का अस्तित्व प्रदेश से पूरी तौर पर समाप्त हो गया।